ये देख मैं राउंड वाले मिले से लेके आई। ओए ये देख मेरे पास भी है, मेरी मम्मी लाई थी। सेम पिंच। ओए तेरे को पता है वो पुरानी गली वाले लोगों ने ना इतना बड़ा रावण बनाया है, तुझे पता है? वो देख वो वाली बिल्डिंग से भी बड़ा बनाया है। ओए क्या सोच रही है? हम भी बनाए रावण? नहीं यार, पता है बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, हम नहीं बनाएंगे। हाँ यार, हमारे पास तो पटाखे लाने के भी पैसे नहीं है। हाँ ओए सुन, तेरे पास 500 रुपीज हैं? मेरे पास 200 रुपीज हैं, मैं 300 मम्मी से ले लूंगी। नहीं यार, मम्मी ने ना मना किया है, मम्मी ने बोला है कि पुरानी वाली दिवाली के जो पटाखे बचे हैं ना उन्हीं को जलाओ, वो भी रख के फुश हो गए होंगे। एक बार कोशिश तो कर बुद्धू, अगर तेरी मम्मी नहीं देंगी ना तो तू एक काम करियो, तू ना रावण की ड्रेस बना दियो और उसकी बड़ी बड़ी मूंछें बना दियो, पटाखे मैं खरीदू। हाँ, मेरे पास ना बहुत सारे कलर्स हैं, मैं ना रावण की बहुत लंबी लंबी मूंछें बना दूंगी। तुम क्या करोगे बनाकर? ये बड़ों का काम है, और पिछली गली में बन तो रहा इतना बड़ा रावण, उसे ही देखने चलेंगे, फालतू में हाथ पर जला लोगे। मम्मी दे दो ना, हम अपनी गली के लिए बनाएंगे। आंटी रावण के लिए पर्ची कटवा लो। मीत जब बेटा मेरा पर्स उठा के लाके दे। अरे कहाँ जा रही है शैतानी दिमाग, रुक बेटा लाके देती हूँ। यार हम छोटे बच्चे हैं ना, हमें कोई भी पैसे नहीं देगा। अरे बुद्धू, हम अपनी गली के लिए रावण बनाएंगे ना, सब दे देंगे। तू ना यहाँ पे सबके नाम लिखियो, यहाँ पे पैसे लिखियो, और ये ले इसमें पैसे रख लियो, ठीक है? और तू कहाँ रखेगी पैसे? मैं ये मेरे पास पॉकेट है। ठीक है तू उधर जा, मैं इधर जा रही। सीमा आंटी बोल रही कितने रावण बनेंगे सोसाइटी में, बोल रही हमने तो चंदा दे दिया अब नहीं देंगे। यार और वो बबीता आंटी है ना, उन्होंने बोला तुम पिद्दी पिद्दी से बनाओगे क्या रावण, जा जा पहले अपनी मम्मी को लेकर आ, मैं तभी दूंगी पैसे। और सुरेश अंकल तो मेरे से टीचर की तरह सवाल पूछने लगे, बोल रहे पहले ये बताओ रावण को क्यों जलाते हैं। वैसे मीत हम रावण क्यों जलाते हैं? अरे बुद्धू उसने बुरे काम किए थे ना। यार पर मेरे पापा तो कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ इंटेलिजेंट भी था वो बहुत, लेकिन उसने ना बुरे काम भी किए थे। मेरी मम्मी कहती है कि अगर तुम 10 काम अच्छे करो और 1 काम बुरा करो ना तो लोग तुम्हारे बुरे काम देखते हैं, अच्छे काम नहीं देखता कोई, तो तू ना कभी बुरे काम मत करियो। अच्छा एक बात बता, मम्मी से चोरी करके बोर्नविटा खाना भी गलत काम होता है क्या? यार बोर्नविटा तो मैं भी खाती हूँ। हो गया सॉल्व। वाह यार तू कैसे सॉल्व कर लेती है इतने टफ क्वेश्चंस, मुझे तो सॉल्व भी नहीं होते। मैं ना फिलो ऐप से पढ़ती हूँ, जब भी कोई टफ प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो तुरंत वो चीज पूछ लेती हूँ। यार मुझे भी बताना कैसे यूज करते हैं फिलो ऐप। देख तुझे जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तुरंत उसकी फोटो खींच ले और फिलो ऐप पे अपलोड कर दे, तुझे तुरंत उसी वक्त इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, फिर 1-on-1 लाइव पढ़। वाह यार। हाँ और क्या, और देख 1-on-1 पढ़ेगी ना तो बेझिझक अनलिमिटेड सवाल पूछ सकती है जब तक समझ ना आए। अगर तुझे तेरे ट्यूटर का पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया ना तो तू उन्हें फेवरेट मार्क कर ले, फिर तू उन्हीं से पढ़ सकती है। फिलो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो जा अभी डाउनलोड कर ताकि सेल्फ स्टडी मजेदार होनी चाहिए, बोरिंग नहीं। मैं अभी करती हूँ डाउनलोड। चल अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो, अच्छा चांद दिख गया क्या तेरी गली में? अरे यार कहाँ दिखाया चांद अभी तक, पर तैयार वैयार होके ना उसी का वेट कर रही हूँ मैं। न्यूज में तो दिखा रहे हैं कि आ गया है चांद कब का,
लेकिन यहाँ तो अभी तक दिख भी नहीं रहा है। सारे नखरे पड़ जाते हैं इसके आज करवा चौथ वाले दिन ही, बहुत लेट निकलता है। बस अब इससे ज्यादा वेट नहीं हो रहा यार, सच में बहुत ज्यादा इंतजार करवाता है। हाँ यार ऐसा तो है, बस ऐसा लग रहा है कि मैं अभी चक्कर खा के ना गिर ही जाऊंगी। अच्छा और तेरे हस्बैंड आ गए क्या? नहीं यार, नाइट शिफ्ट चल रही है ना, तो उनका आना तो इम्पॉसिबल ही है। तो फिर तू व्रत कैसे खोलेगी? बस वही फोटो देख के उनकी। अच्छा चल मैं रखती हूँ, शायद मेरे घर का चांद दिख गया। चल ठीक है। ठीक है ठीक है, जल्दी से इधर भी भेज दे। ओके ओके। जय माता दी मीत की मम्मी। जय माता दी। अरे वो मीत तैयार हो तो भेज दो से जल्दी कन्या खाने के लिए। अरे वो तो अभी सो के ही नहीं उठी। मम्मी उठ गई मैं। ये देखो आज कन्या के नाम पे कितनी जल्दी उठ गई, वैसे उठाई नहीं उठती है। चलो भेज दो फटाफट, सब तैयार रखा है, बस गर्म गर्म पूरी निकालनी है। सारी कन्या बैठ जाएंगी तभी निकालूंगी। मम्मी मुझे नया वाला फ्रॉक दे दो और नया वाला हेयर बैंड भी। बेटा तैयार हो के आ जा, पता है ना मेरा घर कहाँ है? पहले मेरे घर ही आना है, मेन गेट की एंट्री पे ही है। भाभी जी देखो मेरे घर ही भेजना है, कहीं और मत भेजना, ठीक नहीं होगा नहीं तो फिर। सबसे पहले बुलाने आई हूँ, मेरे घर ही भेजना। हाँ बस तैयार करके आपके घर ही भेजती हूँ सबसे पहले। हाँ हाँ याद से भेज देना, पूरी सोसाइटी छान मारी, बच्चियाँ मिल ही नहीं रही हैं। औरतें दो दो घंटे पहले बैठा लेती हैं कन्याओं को, हद ही कर देती हैं बिल्कुल। आपको तो पता ही है पूरी सोसाइटी में सबसे पहले मैं ही खिलाती हूँ, सुबह 4 बजे की उठी हूँ। और तो रिंकू के पापा को भी भेज रखा है, जिसके घर में कन्याएं मिले बस गेट पे खड़े हो जाना। आपने खिलाई नहीं थी अभी तक? अरे क्या बताऊँ अब आपको, आज के दिन मुँह से गाली ना निकले। 4 कन्याएं आ गई थी मेरे घर पे, मेरे पीछे अपने घर उठा के ले गई वो सबिता रानी। चलो कोई बात नहीं आराम से खिला दो। अच्छा मैं चलती हूँ, मीत को आप याद से भेज देना, और भी कन्याएं लेनी मुझे। ओ मम्मी जी सारे कुड़ियां नु ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देंदे ने, मैनू कोई क्यों नहीं पूछता कंजक लई? एक बारी चला भी गया सी ओ तो मैनू पैसे नहीं दिते, आ कोई गलत थोड़ी ना होंदी है मम्मी जी। तुझे क्या खाना है बता, मैं बना के देती हूँ। ओ मम्मी जी गल खाण दी नहीं होंदी, ओ तो मीत ने भी ले आने है प्लेटा भर भर के, ओनू खराब थोड़ी ना करांगे। पर मुद्दा कुछ हो रहा। क्या मुद्दा है फिर तेरा, बता जरा मुझे। मैनू भी दशहरा दे मेले विचो कार ते ट्रक लेके आनी है, ओदे वास्ते भी तो पैसे चाहिए है ना। तो साफ साफ बोलना ना लायक, पैसे चाहिए तुझे? आपनू की लगदा आ कुड़िया खाना खान ले जांदी है? ना एना ता बिजनेस वधिया चलदा नवरात्र विच, सानू कोई बुलांदा नहीं है किते भी, रिश्तेदार भी कुड़िया नू पैसे दे के जांदे, साडा की बनू। ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ 50-50 ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਗਿੱਲ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਸੇ ਭੁੱਖਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੇ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਯੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟੋਂਗ। ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਬਾਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਉੱਪਰ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਫਾਲਤੂ ਕੇ ਡਰਾਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੋਗੀ ਆਜੂਗੀ, ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਆਏ ਮਜਨੂੰ ਤੇ ਲੈਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਿਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੋਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਕੇ ਮਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਿਸਿਸ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਠੂਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਈ ਵੱਡੀ ਜੈ ਪਰਦਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਾਪੀ। ਵਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਵੈਕਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਬਲੀਚ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸੋ ਅਲੱਗ। ਹਾਂਜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੂਪ ਨਿਖਾਰ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ
टीका लगा रखा है, तेरा व्रत है क्या? हाँ मेरा व्रत है, हमारे घर में ना सब ने रखा है व्रत, बस भाई ने नहीं रखा। तो तुझे भूख नहीं लगती? अरे बुद्धू, व्रत में तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है ना। तो तुम्हारे घर में खाना नहीं बनता क्योंकि व्रत में तो खाना नहीं खाते है ना? नहीं, मैंने बताया ना, सिर्फ भाई नहीं रखता तो मम्मी ना उसको खिचड़ी बना के दे देती है, वो खिचड़ी खाता है। हम तो बहुत टेस्टी टेस्टी व्रत का खाना खाते हैं, और तुझे पता है हम तो कुटड़ू के पकौड़े भी खाते हैं। फिर तो मैं भी रखूंगी व्रत। एक बात बताओ, इधर आ, मैं तो चुपके से खाना भी खा लेती हूँ। तेरी मम्मी तेरे को डांटती नहीं है क्योंकि माता रानी पाप देती है? अरे नहीं पागल, मेरी मम्मी ने बोला था कि माता रानी ना बच्चों को पाप नहीं देती, बच्चों को माफ कर देती है। मम्मी जी मुझे भी व्रत रखना है। नहीं बेटा, बच्चे नहीं रखते, और माता रानी तो वैसे भी बच्चों के साथ ही होती है हमेशा। मम्मी परी ने भी रखा है, मैं भी रखूंगी। ठीक है फिर रख ले, कंजक के लिए नहीं जा पाएगी, फिर पूरे 9 दिन व्रत रखना पड़ेगा। नहीं मम्मी, मुझे व्रत भी रखना है और कन्या में भी जाना है। ऐसा थोड़ी होता है बेटा, चल एक काम कर, पहला और आखिरी रख ले जा। हाँ ठीक है। भाई चाय के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक दिन व्रत रखना, मेरे तो सर में दर्द होता है। मैं तो हर बारी निर्जला व्रत रखती हूँ। और क्या, खाने वाली तो इसमें भी खाती रहती है, बस फटाफट सारा काम निपटा दूं, फिर मेहंदी भी तो लगवानी है, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं आराम से दोनों हाथों पे। बस हाथों पे लगवाओगी, पैरों पे भी लगवा लेना, अच्छी लगती है, और आप तो वैसे भी इतनी गोरी चिट्टी हो। अरे उम्र भी तो देखी जाती है ना, अब बच्चे बराबरी के हो रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। अब उनका टाइम है शौक करने का, हमारा तो जैसे तैसे निकल ही गया। अरे भाभी जी, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या है, वो तो हर साल बढ़ती रहती है, शौक भी तो पूरे करने चाहिए। अरे वो सुनती कहाँ है, एक हाथ में लगा के उसे जम्बाइयां आने लगती है। किसकी बात कर रही हैं आप? दीप और कौन? तो पार्लर में लगवा लिया करो ना, बच्चे तो सभी के नखरे करते हैं। ना ना, पार्लर में तो एक एक हाथ के 2-2 हजार रुपए ले लेती हैं, बड़ा बड़ा डिजाइन और बना देती हैं, 2-3 घंटे वहाँ वेट और करो, भीड़ इतनी होती है। हाँ ये तो है, करवा चौथ पे ना पार्लरों में भीड़ लगी रहती है। हाँ और क्या, अपने घर में आराम से बैठ के लगवाओ चाय की चुस्कियों के साथ। और दीप की लगी मेहंदी नहीं देखी क्या आपने? काफी अच्छी लगाती होगी। अरे इतना बारीक डिजाइन बनाती है, इतना सुंदर सुंदर, आसपास की सारी औरतें सी लगवाने आती हैं, यूं तो तारीफ करनी पड़ेगी इसकी, हाथों में जादू सा है इसके, इसकी रखी मेहंदी एकदम काली पड़ जाती है। ठीक है फिर मैं भी जरा खाना बना के आ जाती हूँ, दीप से लगवाऊंगी। अब देखो कल ही करवा चौथ है, कल का ही अपॉइंटमेंट है, 1-2 घंटे में थोड़ी रचती है मेहंदी, कैंसिल करवा देती हूँ फिर मैं। हाँ रचती तो रात भर लगा के ही है अच्छी मेहंदी। चलो आ जाना टाइम से, और पेट भर के खाना खा लेना, कल तो पूरे दिन भूखा ही रहना है, चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पेट में कुछ जाएगा। ठीक है भाभी फिर मैं चलती हूँ, चूड़ियों का सेट भी तो बनवाना है, कल का पूरा दिन बिजी रहेगा, पूजा भी तो करनी है। हाँ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मम्मी ऐसा करो ना, घर के बाहर बोर्ड लगवा दो कि यहाँ पर करवा चौथ की मेहंदी की सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसे लगवानी है लगवाओ, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। क्या तो तू सही रही है, पार्लर में एक हाथ के 2 हजार लेते हैं, तू 1500 ले लियो। ओए सुन, दशहरा मेला चल रही है घूमने। अबे यार कितनी तो धूल उड़ती है वहाँ पर, वैसे ही कुछ नहीं दिखाई देता, और अलग अलग टाइप के नमूने और दिख जाते हैं वहाँ पर, सारे आवारा लड़के वही मिलेंगे तुझे देखने को, फालतू में पिटपिटा जाएगा कोई। अरे यार तो हमें क्या करना है उन लोगों से, हम अपना एंजॉय के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। क्या एंजॉय करने जाएगी बताइए जरा, धूल चाटने जाएगी? क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि तू झूला झूलने जाएगी, डरपोक इतनी है। बच्चों के झूले पे भी डरती है तू, पिछली बार बेहोश होने वाली थी, बीच में ही झूला रुकवाना पड़ा। अब लगता है यार मुझे डर, इसमें डरपोक वाली क्या बात है। अच्छा चल खाने ही चल लियो ना। क्या खाएगी तू बता, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं ना मुझे वहीं पे खाना है, मुझे वहाँ की चाट खानी है, वहाँ की स्पेशल कुल्फी खानी है। एक मिनट राहुल तो नहीं आ रहा वहाँ? अब
ओ, तो ये बात है। अरे नहीं यार, वो एक गेम होती है ना शूटिंग वाली, वो खेलनी है मुझे, और वो रिंग वाली होती है ना वो भी खेलनी है मुझे, इसलिए जाना है। निशाना तेरा एक पर भी नहीं लगता। अब तू इंसल्ट कर रही है। ठीक है नहीं जाना तो मत जा, मैं फैमिली के साथ चली जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ, फैमिली के साथ जाने में ना बहुत ऑकवर्ड फील होता है, अगर कोई हूटिंग करे ना चप्पल उठा के मारियो, और ज्यादा हो तो मुझे कॉल कर दियो। अभी तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा यार। तू भी चांद देखने आई है क्या? हाँ मम्मी ने बोला है जैसे ही चांद दिख जाए ना आवाज मार दियो। ओए ओए, वो देख आंटियां क्या माल लग रही हैं। हाँ यार वो तो सच में बहुत सुंदर लग रही है, क्या लग रहा है उनका फिगर रेड साड़ी में। वैसे ना हम भी अपने करवा चौथ पे बहुत अच्छे दिखेंगे, खुद को ना मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है, मैं क्या करूंगी अपने करवा चौथ पे। अरे जब तक हमारा टाइम आएगा ना तब तक ये कुछ मायने नहीं रखेगा, सूट साड़ी या नॉल, हम तो वेस्टर्न में भी सेलिब्रेट कर लेंगे। उन आंटी का लहंगा देख झाड़ू लगाता हुआ जा रहा है। धीरे, वो सोचेंगे हम उनके ऊपर हंस रहे हैं। लगेगा क्या, वो तो हंस ही रहे हैं। ये सब छोड़ तू, तो ये बता कि उन सब में से सबसे सुंदर आंटी कौन लग रही है, मतलब सुपर ब्यूटीफुल। तूने सचिन भैया की वाइफ को देखा था, कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी यार वो। अरे न्यूली मैरिड है ना, सुंदर तो लगेंगी। हाँ वैसे नितिन भैया की शादी भी तो अभी हुई है ना, उनकी वाइफ कैसी लग रही है? तूने देखा नहीं उनको? खुद देख ले, तेरे सामने ही खड़ी है। कयामत। मम्मी। हर बार की कंजकों को तेरा यही हाल है, पहले तो खा लेती है 15-20 घर जा जाके, फिर पेट पकड़ के पड़ी रहती है 2-3 दिन तक। अब हो गया ना पेट खराब? मम्मी आंटी जी जबरदस्ती खिला देती हैं, कहती हैं बेटा एक पूरी और खा ले, बेटा एक पूरी और खा ले, ऐसे कहते कहते बहुत सारी पूरी खिला देती हैं। तो बेटा मना भी तो कर सकती थी आंटी जी को कि आंटी पेट भर गया अब और नहीं खाना मुझे। मम्मी जी आप ही तो कहते हो ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को बुरा लगे, और अगर मैं खाने के लिए मना करती तो आंटी जी को बुरा लगता ना। हाय रब्बा, ये सारी गाय औलाद मेरे घर में भरनी थी आपको, कि दूसरे का बाल बांका ना हो, अपना चाहे नुकसान हो जाए। क्या कह रहे हो आप? कुछ नहीं मेरी माँ, लेटी रह चुपचाप, चूरन लेकर आती हूँ। आंटी जल्दी ले आओ, मुझे रितु आंटी के घर भी जाना है। और कोई नहीं आया क्या? बस हम ही आए हैं। और तू सीमा आंटी के यहाँ पे क्यों नहीं आई थी? वहां पे सिर्फ आर्ट करने बैठी हुई थी। सीमा आंटी बोल रही थी कि दीप को बुलाया है, दीप आती होगी, लेकिन तू आई नहीं। फिर से पहले ना मैं ही गई थी सीमा आंटी के यहाँ, पर उनकी हरकतें ना बहुत ज्यादा चिंदी हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मेरे को बोलती है बेटा तू प्लेट नहीं लेकर आई, जा घर से प्लेट लेकर आ पहले। इतना इंसल्ट फील हो रहा था ना यार, जब तुम्हें सेवा ही नहीं करनी तो कन्या ही क्यों खिलाते हो यार? एक प्लेट नहीं धो सकती थी वो मेरी? और पैर धोके तो ऐसे बटा रही थी जैसे इनसे बड़ा भक्त ना कोई नहीं हो सकता माता रानी का, इसलिए मैं दोबारा नहीं गई। तू स्वीटी आंटी के यहाँ से आ रही है ना? तुझे कैसे पता चला? इतने क्यूट से गिफ्ट ना पूरी सोसाइटी में उन्हीं के घर से मिलते हैं। शिट यार मैंने मिस कर दिया। वो सीमा आंटी है ना बहुत बहुत देर तक बिठा के रखती है, और बुलाना भी उनको पूरे 2 घंटे पहले होता है। तो तू गई क्यों वहाँ पहले, बाद में चली जाती? अरे यार जबरदस्ती ले गई, बोल रही थी मेरे साथ चल वरना तो कहीं और चली जाएगी। जब कंजूसी दिखाएंगी तो कौन जाएगा उनके यहाँ? और स्वीटी आंटी के घर जाने में तो हमेशा फायदा होता है, और 100 रुपए भी दिए उन्होंने मुझे। कोई देता है सोसाइटी में? कोई नहीं देता। और सीमा आंटी ने क्या दिया? ये 10 रुपए। नारियल भी इतना छोटा छोटा काट के दे रही थी ना, कंजूस कहीं की। और लास्ट में पैर छूने लगी, मैं तो आशीर्वाद भी नहीं देकर आई। मेरी तो किस्मत ही खराब है आज। आज मैं पूजा आंटी के घर गई, उन्होंने बोला कि ओ बेटा तू लेट हो गई, आज तो मैं सबके लिए बैंगल्स लेकर आई थी। चल कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट टाइम डबल ले लियो, मेरी कमाई भी क्या हुई है ये चिल्लर। और नेहा तुझे मिली थी क्या किसी के घर में कंजक के लिए?
अरे नेहा बड़ी हो गई है ना, तो अब वो नहीं जाती कंजक खाने। बड़ी हो गई मतलब? मतलब मेरी मम्मी बोलती है जब लड़कियां बड़ी हो जाती है ना तो वो कंजक खाने के लिए नहीं जाती है और कोई बुलाता भी नहीं है उनको। पिछले नवरात्र में तो वो हमारे साथ कंजक खाने गई थी, एक साल में बड़ी हो गई क्या? अबे बुद्धू इधर आप बताती हूँ। फिर तो मुझे बड़ा ही नहीं होना, फिर हमें भी कोई कंजक के लिए नहीं बुलाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा हमारा। ये देख। ओहो डायमंड रिंग। हाँ राहुल लेकर आया मलेशिया से। मैंने तो उसको क्लियर बोल रखा है अगर मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हूँ तो तुम्हें भी तो रखना चाहिए ना, और सारे जुल्म औरतों पे करने के लिए थोड़ी ना बने होते हैं। और अगर मैं पहले मर गई तो? ना ना, मैं राहुल को अपने पीछे ऐयाशी करने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ एक दो दिन का गैप चल सकता है, लेकिन सालों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सही है यार, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो खुश है, पर ना यहाँ तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट सास मिली हुई है ना, मैं तुझे क्या ही बताऊं। और वो उनका मामाज बॉय जो भी बोले ना उनके पीछे 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 घूमता रहता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। व्रत तो बहुत दूर की बात है, उल्टा व्रत वाले दिन मुझे पूरे दिन भूखी प्यासी रह के ना इनकी सेवा करनी पड़ती है। सही किया तूने जो लव मैरिज कर ली, यहाँ मैं ही फंस गई अरेंज मैरिज के चक्कर में। अब पता चल रहा है कि हमेशा ना पेरेंट्स सही नहीं होते। तो तू इतना डरती क्यों है, शादी की है कोई डील नहीं की तूने? डरना पड़ता है यार, वो मेरी सास है ना, चंडाल है पूरी, अगर उसकी कोई बात ना सुनो ना तो एक की दो दो लगा के बोलती है उस ममाज बॉय से। फिर क्या, फिर बस घर में से आप पे चालू। एक तो यहाँ भूख के मारे जान निकली जा रही है, ऊपर से उस बुढ़िया ने शादी का लहंगा और ज्वेलरी निकाल के रख दिया है कि मेरी बहू ना पहले करवा चौथ में यही पहनेगी। यहाँ खुद तो खड़ा हुआ नहीं जा रहा, ऊपर से वो 50 किलो का लहंगा और ज्वेलरी, और संभालो। चक्कर तो मुझे भी आ रहे हैं यार। ये देखो पूरी फ्रूट से भरी हुई प्लेट ठूस गई और इसे चक्कर आ रहा है। अभी तो 2 ही बजे हैं, पूरा दिन बाकी है, जब चांद निकल जाए ना मुझे कॉल कर दियो, बस आराम से जाके सोऊंगी, तू भी सो जियो। तुझे लगता है मेरी सास मुझे सोने देगी? अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी जाके ना पूजा की तैयारी करनी है, फिर उनके लिए खाना बनाना है, फरमाइश देखो 16 प्रकार का भोजन चाहिए उनको। तेरी सास ना बहुत सही है यार, मेरी सास बुराई का पुतला है मेरी सास। 50,000 सैलरी आ रही है मेरी, खुश नहीं होगी क्या? और यहाँ देखो शादी से पहले ही झूठ बोला था कि लड़की को हम शादी के बाद पढ़ाएंगे और मन हुआ तो जॉब भी कराएंगे, देखो कर रही हूँ जॉब, वो भी बिना सैलरी वाली। बाद में ना कुछ नहीं होता, जो भी करना है ना शादी से पहले कर लो, पढ़ाई जॉब जो भी करना है। और अब चिल कर, टेंशन मत ले ज्यादा। ये देख आ गया उस खूसट बुढ़िया का फोन, अब बनेगी मेरी रेल। चल मैं चलती हूँ। चल ठीक है आराम से। हाँ